नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन और स्पाइन सर्जन हूँ। आज सीरजम कंपनी के सौजन्य से मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आपसे रीढ़ की हड्डी, उसके बनावट और उसकी महत्ता के विषय में कुछ बातचीत करूँ। मानव शरीर में, यानी कि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी बनती कैसे है, इस विषय को हम लोग दो तरह से समझ सकते हैं। तो पहले शुरू करते हैं कि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी समय के साथ कैसे आज की स्थिति में इस रूप में आई है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे जो पूर्वज थे वो चारों हाथ पैर पे चलते थे, हॉरिजॉन्टल होते थे, मतलब उनका शरीर ऐसे झुका हुआ रहता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे हम लोग सीधे होने शुरू हुए, मतलब वर्टिकल हो गए। आज का मनुष्य जो है वो सीधा खड़ा होता है, दो पैर पे चलता है और हाथ जो हैं वो किसी और काम के लिए प्रयोग में आते हैं। ये समय के साथ बदलाव आया है जो कि बहुत धीरे धीरे काम के अनुसार आया है। इसका मेन जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक तो मनुष्य के दिमाग या मस्तिष्क के डेवलपमेंट में, जैसे जैसे वो और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज़्यादा जो है प्रखर हुआ है, उसके हिसाब से ही रीढ़ की हड्डी का बदलाव आया है। दूसरा तरीका जो हमारा समझने का है रीढ़ की हड्डी का, कि माँ बाप के संयोग से जब एक कोख में बच्चा जन्म लेता है, कोशिकाएं जो सेल्स होती हैं मिलती हैं, तो आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि उन दो सेल्स के मिलने से जो सबसे पहला डेवलपमेंट होता है शरीर का, जो सबसे पहला अंग कोख में दम बनता है, वो रीढ़ की हड्डी है। तो ये रीढ़ की हड्डी जो सबसे पहला अंग बनता है शरीर में, इसके द्वारा ही बाकी अंगों का डेवलपमेंट कंट्रोल होता है, संचालित होता है, और इसी के बेसिस पे जो है हमारी शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां, खून की नाड़ी और नसें बनती हैं। यदि हमको कोई चोट लग जाए तो रीढ़ की हड्डी में उसका निश्चित रूप से असर पड़ता है कि रीढ़ की हड्डी ऐसे मुड़ी रहती है। यदि ध्यान ना दिया जाए तो ये सभी बदलाव जो हैं एक बीमारी का रूप ले सकते हैं और दिक्कत पैदा कर सकते हैं, तकलीफ पैदा कर सकते हैं।